हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने ये अरेबंडा सेमी वाइन वैरायटी के ऊपर बनाया है। ये देखिए, पर्पल और पिंक के शेड में मिले हुए ये अरेबंडा के फ्लावर्स, ये कितने प्यारे और सुंदर लग रहे हैं देखने में। और ये डालियों में जो है ये फूल भी हैं और इसकी कलियाँ भी हैं, और इसके साथ ही जो येलो अरबंडा होता है उससे इसका साइज़ बड़ा होता है, और गर्मियों बरसात में ये फूल खूब खिलता है और देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अरबंडा सेमी वाइन, ये जो हैगा आपका अरबंडा का पौधा, इसके बारे में, इसकी केयर के बारे में, इसकी पिंचिंग के बारे में, इसकी प्रोपोगेशन के बारे में, और ये इसमें हम फर्टिलाइज़र कौन सा डालें, इस बारे में पूरी आपसे इस वीडियो में बात करूंगी और दिखाऊंगी भी। ज़्यादातर व्यूअर्स के ये कमेंट आते हैं कि हमारे यहाँ पौधे लगे हुए हैं, जैसे अभी जो है एक कमेंट पढ़ा, उसमें जो है ये आपका प्राइड ऑफ इंडिया, जिसको हम सावनी का प्लांट कहते हैं, ये मेरे यहाँ पूरा फूलों से भरा हुआ है। उनका जो है ये कमेंट आया कि मैंने ये पौधा लगाए हुए 1.5 साल हो गया और अभी तक इस पर कोई फ्लावर्स नहीं आए हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको फर्टिलाइज़र के बारे में भी बताऊंगी कि ये जो बरसात हो रही है इसमें आप अपने पौधों में कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, जिससे कि उनमें अधिक से अधिक ब्लूमिंग हो और वो देखने में सुंदर लगें। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए। शुरू से आखिर तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए और जानिए इस सुंदर अरबंडा वाइन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा पहला पॉइंट है इसकी केयर के बारे में, ये मेरा अरबंडा का पौधा बहुत पुराना नहीं है, ये 1.5 साल पुराना है और इसमें नई नई शाखाएं हैं। तो देखिए, एक तो अरबंडा जो है ये गर्मियों से भी ज़्यादा रेनी सीज़न को पसंद करता है। रेनी सीज़न में इसमें फूल अधिक और प्यारे आते हैं। ये देखिए कितने सुंदर ये फूल हैं, सब लगे हुए हैं, आते हैं और ये खूब भी ज़्यादा खिलता है। पर कहीं कहीं होता है कि अपने हेज के, दीवार की हेज के ऊपर लगा देते हैं और उसके बाद उसकी कटिंग प्रूनिंग कुछ भी नहीं करते हैं, तो वो उसमें फूल तो बहुत आते हैं लेकिन वो देखने में इतना खूबसूरत नहीं लगता है। आजकल ज़मीन ज़्यादातर नहीं है तो हम गमलों में ये फ्लावर्स लगाते हैं। तो इसको अगर हम ये चाहें कि ये झाड़ी की तरह एक गोल आकृति में बन जाए और इसमें जो है वो हमारी बर्ड्स और फ्लावर्स ज़्यादा आएँ और देखने में गार्डन सुंदर लगे, तो इसमें जो सबसे पहला काम हमको करना है वो ये करना है, जो इसकी टिप्स हैं, ये टिप्स जो दिखाई दे रही हैं, एक में देखिए ये मैंने प्रूनिंग कर भी दी है, बल्कि मुझे इसमें ज़्यादा ही प्रूनिंग करनी है। और ये जो इस तरीके की ये टिप दिखाई दे रही हैं, अगर हम इसमें ये यहाँ से इसको जो है ये कोमल वाली जो इसकी हैंगी डंडियाँ, इनको अगर हम तोड़ देंगे, प्रूनिंग कर देंगे, पिंचिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा कि इसके अगल बगल से शाखाएं निकलेंगी और इसमें और नई शाखाओं में और कलियां आएंगी और ये इस तरीके से घना होता जाएगा और ये झाड़ी की तरह खड़ा नहीं होगा। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इसकी टिप की पिंचिंग आप बराबर जो नया निकले उसमें आप करते रहें तो आपको फ्लावर्स जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। इस तरीके से ये बगल से शाखाएँ उसमें निकल आती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बरसात का पानी इसमें है तो आप इसके ड्रेनेज होल को चेक करिए, जिसमें कि लोग अक्सर गलती करते हैं, पानी भरता जाता है और पौधे जो हैं वो उनकी जड़ें सड़के ख़त्म हो जाती हैं। पानी ना बरसे तभी आप इसमें पानी दीजिए। इसके बाद मैं इसकी सनलाइट की बात करूँगी। तो अरबंडा का पौधा किसी भी वैरायटी का हो, वो चाहे येलो हो या वो ये ट्रम्पेट वाइन ये इस तरीके का हो, आपका पर्पल शेड वाला, आप सभी को जो है वो धूप में रखिए। धूप में इसमें अधिक से अधिक कलियां आती हैं, अधिक से अधिक फ्लावर्स आते हैं और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये हो गई इसकी सनलाइट की बात। अब मैं इसके फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बताऊं, तो इन पौधों में आपको महीने में
एक बार फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि ये रेनी सीज़न है तो रेनी सीज़न गर्म नहीं होता है, अगर पानी नहीं बरसता तो ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। इसमें आप एक चम्मच वर्मी कंपोस्ट लीजिए, एक चम्मच नीम खली, थोड़ा सा बोन मील, और अगर आपको फ्लावर चाहिए तो आपको या तो आप बाज़ार वाला पोटाश ले लीजिए, वो दानेदार भी आता है, पाउडर में भी आता है, वो एक डेढ़ चम्मच ले करके, और बोन मील। बोन मील से क्या होता है कि पौधे की जो जड़ें होती हैं उनको ताकत मिलती है, मजबूत होती हैं, और जब उसकी रूट्स मजबूत होंगी तभी वो पौधा ग्रो करेगा और फ्लावर भी देगा। तो बोन मील भी थोड़ा सा मिक्स करके, और ये जो आपको ये गमला दिखाई दे रहा है इसके चारों तरफ से इसको हटा करके, और इसमें आप खाद डाल के इसको ढक दीजिए, और उसके बाद एक मग्गा पानी उसमें दे दीजिए। इसके अलावा आप होम मेड भी, मैंने दिखाया था एक मेरा पूरा वीडियो बना हुआ है कि आप जो ऑनियन होता है, ऑनियन के पील्स हम लोग फेंक देते हैं, अनियन के जो छिलके होते हैं, बनाना के जो छिलके होते हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में पोटाश होता है। जितना आप जब किचन में काम करें तो जो बनाना जो अनियन के जो छिलके निकले उनको किसी जग में या किसी छोटी सी बकेट में भिगोते जाइए, और एक दो दिन जब वो भीग जाएं तो उनमें थोड़ी सी चाय की पत्ती मिला के थोड़ा थोड़ा एक एक मग्गा केवल अरवंडा में नहीं सभी पौधों में डाल दीजिए। उससे इतना पोटाश इनको मिलता है, और पोटाश जो है वो फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इस ये आपकी होममेड फर्टिलाइज़र है। देखिए इसमें अभी मैंने 3-4 दिन पहले ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र डाला है, और इसकी कलियां देखिए कितनी ये थिक और मोटी कलियां आ रही हैं, और ये फूल जो खिला हुआ है नीचे भी फूल गिर जाते हैं अपने आप खिले हुए, और जब उनका समय पूरा हो जाता है, और ये और बर्ड्स जो हैं आती जा रही हैं, ये देखिए इसमें भी बर्ड्स आ गई हैं। तो रूट्स को मजबूत करने के लिए बोन मील, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली बहुत ज़रूरी है, और फ्लावरिंग के लिए पोटाश सबसे उत्तम खाद है। बाज़ार की यूज़ करें या घर की, आजकल ठंडा मौसम है, कोई भी खाद आपके प्लांट्स को जलाएगी नहीं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके प्रोपोगेशन के बारे में बताऊंगी कि अरवंडा का ये पौधा जो है, ये अगर आप मार्केट से जैसे नर्सरी से लेने जाएंगे तो आपको कुछ कॉस्ट में मिलेगा, पर आप अगर एक पौधा ले आते हैं और आपका मन है कि और लग जाएं पौधे, या आप नहीं लाना चाहते हैं तो आपको कहीं से कटिंग मिल जाए इसकी, वो लगा दीजिए, उससे आपका ये पौधा ग्रो कर जाएगा। तो कटिंग के लिए देखिए ये जो आपका, मैं आपको दिखाऊं, ये जो इसका स्टार्टिंग का पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट, ये जो है ये बहुत मुलायम होता है, इसको अगर हम प्रोपोगेट करेंगे तो वो होगा ही नहीं, इसमें तो ये तो खुद ही एकदम नया है, प्रोपोगेशन से ख़राब हो जाएगा। इसके नीचे भी अगर हम करें प्रोपोगेट तो भी जो है ये आपका हल्की सी ग्रीन हिस्सा है तो वो भी अच्छी तरह नहीं होगा। तो हमें कहाँ से लेना पड़ेगा प्रोपोगेशन के लिए? प्रोपोगेशन के लिए हमको ये यहाँ से लेना पड़ेगा, ये जो थोड़ा सा एक पेंसिल के समान थोड़ा सा मोटा हो और जिसमें नोड्स हो। देखिए ये नोड दिखाई दे रही हैं, एक दो नोड्स ज़रूर हो ज़मीन में प्रोपोगेशन के लिए जाने के लिए भी नोड्स हो, तो इसको हम अभी प्रोपोगेट करेंगे। एक नोड को कम से कम मिट्टी के अंदर दबा देना है ताकि जो है वो उधर से रूट निकल आए और ये हमारा पौधा ठीक हो जाए। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए हम इसमें करीब इतनी जो है ये इस तरीके से इसको हम यहाँ से काट लेंगे, इतना पेंसिल के बराबर एक हम काट लेंगे इसको, ये और इसका प्रोपोगेशन करेंगे। एक और इसमें निकल आएगी, ये देखिए ये भी निकल आएगी इसमें, ऊपर से हम इसको ऐसे हटा देंगे और नीचे से हम दोनों में ही तिरछा कट देंगे। तिरछा कट
जो है वो प्रोपोगेशन में ज़रूरी होता है कि आप हल्का सा इसमें तिरछा कट दें, तब उसको आप प्रोपोगेट करें ऐसे। ये मैंने सॉइल ली है, इसमें ये एक हिस्सा मिट्टी है और आपका एक हिस्सा रेत है, ये सैंड है, और ये एक ही हिस्सा जो है ये वर्मी कंपोस्ट लाइट वाली है। इन तीनों का मिक्सचर मिला के मैं इस गमले में, ये एक गमला लिया है जिसका कि ड्रेनेज होल जिसमें अच्छे हैं, खुले हुए हैं, तो इसमें मैं इसको प्रोपोगेट कर दूंगी। ये इसके प्रोपोगेशन की जो है ये भुरभुरी मिट्टी तैयार हो गई है, तो इसमें को लेकर के इसमें यहाँ पर ऐसे हल्के से दबा के प्रोपोगेट कर देंगे। और इसका जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा जो हमने डाली ली है ये वाली, उसको भी हम इसमें लगा देंगे। ये दो मैंने ऐसे अरबंडा की लगा दी हैं। अब इसका रिज़ल्ट जो है वो 15 दिन बाद देखने को मिलेगा। इसमें खाद, आखिरी प्रोसीजर जो है देखना है वाटरिंग का, कि इसमें हम वाटर डाल दें। खूब अच्छी तरह हम वाटर डालेंगे पहली बार में, तो खूब अच्छी तरह डालना है कि नीचे तक पानी जो है वो उसमें चला जाए और जो एक्स्ट्रा पानी हो वो वहाँ से निकल जाए। तो इसलिए मैंने इसमें ये पानी डाल दिया है। अब इसको आप प्रोपोगेशन में हर एक पौधे का एक ले लीजिए आप, ये कि कोई भी पौधा प्रोपोगेट करने के बाद आपको सनलाइट में नहीं रखना है। आप प्रोपोगेशन के बाद पौधे को हमेशा छाया में रखें, 1 दिन 15 दिन तक कम से कम उसे छाया में रखें, तभी आप उसको धूप में लाएं। तो आशा है मेरा ये वीडियो आपको पूरी जानकारी के साथ अच्छा लगा होगा। इस तरीके से आप बरसात में गुलाब की भी कटिंग लगा सकते हैं और फ्लावर्स की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय। हैप्पी गार्डनिंग।